वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहती है। और आप अक्सर मेरे शो में डिफरेंट सेगमेंट्स वगैरह देखते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयर कर सकें। और बड़ा आज सरप्राइजिंग मेरा सेगमेंट है और रेलिवेंट टू फ्यूचर। हमें कितना वो होता है कि यार कोई मेरा हाथ देख के बता दे कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, और या तो हम लोग अपने स्टार्स के थ्रू कि क्या क्या हमें कुछ बता दे कल क्या होगा। ये होता है ना, हम लोग पहले एक अखबार जहाँ आता था उसमें 7 दिनों का लिखा होता था, पीर को ये सदका देना, फिर और अगले दिन तुम्हें ये कुछ सरप्राइज मिलेगा। तो बड़ा मज़ा आता था, पूरा वीक का एक शेड्यूल उसमें मेंशन होता था। और हकीकत में बताऊँ कि अल्लाह पाक ने बेजान जितनी भी पहाड़ पानी हमारी नज़र में देखा जाए तो बोलते नहीं है, लेकिन हमारे लिए इन सब का एक इंसान से ताल्लुक़ है। सुबह का तुलू होना, लहरों का चलना, हवाओं का चलना, मौसम की तब्दीली, सितारों का निकलना, सूरज का गुरूब होना, तुलू होना, चांद, कैसे हम कहते हैं जी ये चांद की आज ये तारीख है, तो कोई ना कोई ताल्लुक हमारे ज़िंदगी से इन सितारों का जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हम जब पैदा होते हैं तो हम कहते हैं कि हम चांद के हिसाब से बच्चे का नाम लिखेंगे, कौन सी डेट है इस्लामिक जो होता है ना कैलेंडर के हिसाब से, हम उसको देख के बात करेंगे, कुरान में देख के नाम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और पत्थर जिसमें हज़रत अली जो है इनका भी जिक्र है, तो वो जब हम जिक्र करते हैं पत्थर का तो फुकराज मरजान इनका हमारी ज़िंदगी से एक ताल्लुक़ है। और वाकई में ये अफेक्टेड होते हैं, याकूत नाम है ना इतने सारे खूबसूरत, नीलम, फुकराज, तो ये सारे ज़िंदगी में मैं कहती हूँ ना ये जो जो चीज़ें बनी हैं इन सब का हमारी ज़िंदगी में अफेक्ट होता है। अब हम बात करें एस्ट्रोलॉजिस्ट की, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी इसी तरह बताते हैं स्टार्स के थ्रू नेम, अल्फाज, जैसे किसका नाम क्या है तो उसके अल्फाजों को उन नंबर से जोड़ के मेंशन करते हैं कि आया कि ये फ्यूचर में क्या बेहतर कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये बड़ी एक वो है, बड़ी बात है। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, आज हम पूछेंगे आया कि ये जो हुकूमत है वो कब तक चलेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और इमरान खान की एंट्री हो सकती है नहीं, बिलावर साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सारी। और आप भी लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं, और कोई ना कोई अल्लाह ना करे आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि रूहानी स्कॉलर, और मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, और इसके अलावा ये जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सिंध के ह्यूमन राइट्स के। लेट्स सी, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और जब मैंने इनसे अभी बात कर रही थी कि इमरान खान का, तो कहते हैं वो तो हॉट इस वक्त टॉपिक है। तो ये बताएं शहबाज शरीफ माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं, और कब तक रहेंगे, अब क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे कि नहीं, हमारी हमारे स्टार्स में इसका कहाँ मेंशन हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके सवाल से पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी को इल्मे गैब समझते हैं, जी, ये दरअसल इल्मे गैब नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारने के नशेब व फराज जो ज़िंदगी के अंदर आते हैं, ज़िंदगी की एक तरतीब का एक डायरेक्शन है। अकलमंद इंसान, आप देखें कि एक अकलमंद इंसान है जब वो देखता है कि बहुत घने बादल हैं तो अकलमंद इंसान छतरी लेके जाता है, ठीक है ना। ओके, कभी भी हो, वो उसकी डायरेक्शन है, वो उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसकी अलग है। अब बारिश हो ना हो लेकिन वो छतरी एहतियातन लेकर जाता है। अगर बारिश हो गई, छींटे तो कहीं ना कहीं आते हैं लेकिन वो बच जाता है। और बेवकूफ इंसान वो समझता है कि बस कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, देखा जाएगा। अब जब बारिश होती है तो वापसी आके वो अपने आप को कोसता है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ये हो क्या हो गया। एस्ट्रोलॉजी लाइफ के लिए एक डायरेक्शन है, ठीक है, इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब वो होता है जो बिना किसी वसीले के या बिना किसी तवस्सुत से हासिल हो जाए। और जिस चीज़ में कोई वसीला या कोई तवस्सुत इन हो जाता है वो एक इल्म बन जाता है, ठीक है ना। जहाँ तक आपका सवाल है, तो अगर मैं मुल्की हालात पर तबसरा करते हुए
मुल्की हालात को देखता हूँ, अभी सूरज ग्रहण भी लगने वाला है। ओके ठीक है, 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा, जो पाकिस्तान में भी और एशियाई ममालिक में भी नज़र आएगा, लेकिन वो जुज़वी होगा। बाज़ लोग सूरज ग्रहण से बहुत डराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, सूरज ग्रहण के भी क्या मतलब मुल्क पर कोई असरात होते हैं, या जो भी जिसकी हुकूमत होती है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल, सूरज ग्रहण का ताल्लुक दरअसल चूँकि पूरे वर्ल्ड पे होता है। अच्छा, तो जहाँ वो लग रहा होता है वहाँ की जो हुकूमत है उस पर उसके असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। मौजूदा जो मैं देख रहा हूँ कि मैंने अपनी अपने रूहानियात ज़िया यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली शाया की है, देखा जाए तो मुल्की हालात जो है मजीद मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरहान की तरफ जा रहे हैं। बुरहान और मजीद? जी हाँ। ओह माय गॉड, ठीक है ना। क्योंकि मुल्क का जो जायचा है उस हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो स्टार्स की पोजीशन मुझे दिख रही है जी जी, वो कुछ अच्छी नहीं दिख रही। अच्छा, आने वाला वक्त मजीद मुश्किलात का होगा, महंगाई भी होगी, ठीक है ना। मस्नूई तौर पर हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है आवाम को कुछ बेनिफिट दे पाए तो हो सकता है, लेकिन आगे जाके ये मजीद मसाइल बढ़ेंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि तरक्की तो शायद होगी, लेकिन आवाम को मुझे सुख नसीब होता नहीं दिख रहा, लेकिन जुल्मी है। उसमें सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी आवाम की भी है। हम हुकूमत को तो बुरा कहते हैं कि हुकूमत ने फलां कर दिया, ये नहीं कर रही, लेकिन देखा जाए तो हमारी अगर परचून की दुकान है तो हम नाप तोल में कमी कर रहे हैं, हमारी दूध की दुकान है तो हम उसमें बस हम लोग इस तरह हम जिंदगी को शॉर्टकट लेके चल रहे हैं। ओके, ये कानून फितरत के खिलाफ है। हम शुक्र खुदा से दूर हो गए हैं, इसलिए हम लोग खुदा का शुक्र अगर करना शुरू कर दें तो अल्लाह पाक बल्कि और आसानियां पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जैसे मैंने अभी सवाल किया था कि शहबाज शरीफ तो हैं हुकूमत में, ऑलमोस्ट जैसे भी आए आवाम के थ्रू तो नहीं आए, लेकिन वो अपनी कोई स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी और पीडीएम बनी और जो भी है, अब क्या शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ को बहुत टाइम हो गया है, क्या वो वापस आएंगे? वैसे तो 1.5-2 साल पहले मैंने नवाज शरीफ का एक जायचा देखा था, अभी रिसेंटली तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मुझे याद पड़ रहा है उस वक्त जो मैंने देखा था कि तरतीब बन रही है कुछ आने की। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है तो कि वो बस वो एक समझ लें कि रेड कालीन बिछा दिया गया है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि वो वापसी आ रहे हैं। अच्छा, एक इक्तदार में थे इमरान खान, और ऐसा क्या डिजास्टर हुआ उनके सितारों के ऊपर, क्या उनके ऊपर कोई बिछाया, क्या बोलते हैं, कोई शनि आ गई, तो क्या हुआ कि वो एक बुरहान का शिकार हुए, तो क्या वो बैक हो सकते हैं या नहीं होंगे? बहुत मुश्किल टॉपिक है वैसे ये, और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक भी है। देखिए, इमरान खान साहब के जायचे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं 2 साल से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब के आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से इमरान खान साहब को मसाइल का सामना रहेगा। क्योंकि मशवरा करने वाले और मशवरा लेने वाले या देने वाले लोग अगर आपको अच्छे मिल जाएं तो आपके अंदर किसी भी चीज़ के गट्स ना भी हों तो आप तरक्की की राह में निकल पड़ते हैं। यानी कि पर्सनली इमरान खान साहब तबीयत के खुद अच्छे हैं? ज़ाती तौर पर मैं किसी को बुरा तो नहीं कह सकता, ये हो सकता है कि कुछ लोग इसे कहें कि यार आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़ाती तौर पर उनकी नेचर बुरी नहीं है, उनको लोग बुरे मिल चुके हैं, ठीक है ना। अगर ये 2 महीने जो इमरान खान साहब का जायचा भी मेरे पास है और मैं देख रहा हूँ कि अगर ये 2 महीने, और इत्तेफाक में आज आपको कहूँ कि आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर ही योम पैदाइश है इमरान खान साहब की, मेरे ख्याल में गालबन आज 5 अक्टूबर है। ओके, तो ये योम पैदाइश है इमरान खान साहब की, तो अगर इनका जायचा मैं देख रहा हूँ तो आगे आने वाले 2 महीने इनके लिए सख्त होंगे, 2 महीने इनके लिए प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। 2 महीने के बाद यानी कि दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होगा, दिसंबर के फौरन बाद अगर हम देखें तो इमरान खान साहब एक नई तब्दीली की तरफ गामजन हो जाएंगे। अगर वो पाकिस्तान की हुकूमत में आए या ना आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है कि वो अपनी सीटों को मजबूत करेंगे, ठीक है, और एक बहुत बड़ी पार्टी बन के दोबारा वापस आएंगे, बशर्ते कि इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो, लेकिन फिलवक्त जो मैं टाइम देख रहा हूँ इमरान खान साहब का वो अच्छा नहीं चल रहा, उनको बड़े तरीके के साथ जज्बातीपन और जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, जज्बातीपन भी नहीं करना चाहिए, बड़े सोच विचार के साथ और फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। यानी कि आने वाला फ्यूचर, चाहे आप 2023 भी कह सकते हैं, वो एक फुल फॉर्म में एक इमरान खान दोबारा, अगर दिसंबर के बाद इलेक्शन की तरफ जाते हैं ठीक है, तो इमरान खान साहब का जायचा एक
अच्छे तरीके से मजबूत लग रहा है। ये मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। आप लोगों को अल्टीमेट कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन कराने की कोई बेवकूफी मत कीजिएगा। ये तो आप देखिए, ये तो गवर्नमेंट अलर्ट कर रहे हैं। ये तो अगर ये हमाकत की तो फिर सच ये है कि इमरान खान ही आएंगे अगर इलेक्शन के थ्रू आए तो। इलेक्शन के थ्रू आए तो, क्योंकि उनका अपना जायचा जाती तौर पर बड़ा मजबूत है। उनका अपना जायचा जाती तौर पर बड़ा मजबूत है और तहरीक इंसाफ जो खड़ी हुई है, जिसकी बुनियाद वो इमरान खान साहब की, हाँ इमरान खान साहब की वजह से ही खड़ी हुई। ओके, अच्छा बिलावल साहब, क्योंकि उनकी माँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है साहिबा, वो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो क्या हो सकता है? क्योंकि उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि अगला वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो होगा, तो क्या ऐसा है कि नहीं? देखिए, सियासत से हट के ज़रा अगर मैं बात करूँ तो बीबी शहीद तो बहुत ही एक लेजेंड खातून थी और मुहिब्बे वतन थी, और उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा सोचा, बड़ा अच्छा काम किया, और उस वक्त की आप सियासत भी देखें तो बहुत अच्छी और हम्बल सियासत थी। लोगों के अंदर इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, एक दूसरे की इज्जत और वकार मजरूह नहीं किया करते थे बल्कि इज्जत वकार के साथ बात किया करते थे। जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, उनका जायचा भी कुछ अर्से पहले मैंने देखा था इसी तरीके से, तो मुझे सियासत के उस मकाम पर वो बहुत जल्दी नज़र नहीं आते कि जो एक इमरान खान साहब का मकाम है या शहबाज शरीफ साहब का मकाम है या फिर मरियम नवाज साहबा का मकाम है। अलबत्ता वो कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं सिंध से खास तौर पर, उनको और अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लेने में टाइम। ये उनके जाती, हाँ ये उनके जाती जायचे की बात कर रहा हूँ, बाकी मुल्क की सतह पे जो स्ट्रेटेजी है वल्लाह आलम बिस्सवाब कि कौन क्या करे। अच्छा, मरियम नवाज जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही और उन्होंने बड़ा अच्छा फुल फॉर्म वर्क किया, तो क्या वो आगे प्रेजेंट होंगी, समझ सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो उनका जायचा मेरी नज़र से गुजरा नहीं, ठीक है, तो मैं हतमी तो कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन एक सियासी तज्जिया करूं तो वो आगे तो नहीं रह सकती, बैकग्राउंड पे रहेंगी। अच्छा, फ्रंट मैन में नहीं, फ्रंट में फिलहाल मुझे आता नहीं, नहीं, नहीं दिख, बैकग्राउंड पे रह सकती। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स रूहानी स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं और हम अभी सिर्फ ऐसी हुकूमत पे बात कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें कोई सवाल करना है अपनी फैमिली से रिलेवेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।